ये कब तक लगवा रहे हैं? जल्दी लगवा लें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अभी कोरोना के इलाज को लेकर के एलोपैथी डॉक्टर्स और उनकी संस्था आईएमए से दो दो हाथ करने वाले बाबा रामदेव अब कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो कह रहे थे कि एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर वो वैक्सीन क्यों लगवाएंगे? तो सुन लीजिए उन्हीं के मुँह से। डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पा लें तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। जी आप कब तक लगवा रहे हैं? जल्दी लगवा लें। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सबके लिए वैक्सीन देने का ऐलान किया है, लिहाजा वो भी इसके भागीदार बनेंगे। जहां तक एलोपैथी की बात है, एलोपैथी और डॉक्टरों से उनकी कभी कोई लड़ाई नहीं रही और नहीं होगी, क्योंकि एलोपैथी आपातकाल व सर्जरी के लिए सबसे बेस्ट पैथी है। और जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो दो देवदूत की तरह है। हमारी लड़ाई जो है ड्रग माफियाओं से है। बाबा का ये मन कब क्यों कैसे बदला? अभी तो डॉक्टरों को लेकर के टर टर कर रहे थे और न जाने कैसे जुमले उन पे कस रहे थे कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं, इन लोगों ने लूट लिया कोरोना के इलाज के नाम पे। इसको लेकर के उनको मानहानि का नोटिस दिया गया, कई जगह पे कंप्लेंट की गई। अब उनका मन क्यों बदला ये तो बाबा ही जानते हैं बेहतर, लेकिन अब उनका कहना है कि इस अभियान का भागीदार हर किसी को बनना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना से लड़ना है तो ये सब करना होगा। साथ में ये भी कह रहे हैं योग को अपनाएं, और योग क्या करता है कि आपके बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ये ढाल और सुरक्षा कवच की तरह है। बाबा ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन आपने अनावश्यक डॉक्टरों पे व्यंग और तंज क्यों कसा? ज़रा सोचिए उनके बारे में कि कितने सैकड़ा जो है डॉक्टर इस कोरोना महामारी का इलाज करते हुए मारे गए हैं, फिर उनके दिलो दिमाग पे क्या गुजरेगी? इसमें ये भी कोई गलत बात या इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हॉस्पिटल्स ने इलाज के नाम पे लूटा है। 5 लाख की या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का बिल बनाया है, बेड बेचा है या ये सब किया है, लेकिन कभी भी किसी भी पैथी को या डॉक्टर्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सब ने ऐसा किया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।